देश के प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान चलाकर स्वच्छ भारत का मुहिम छेड़ी है और इसी क्रम में राज्य सरा जगह जगह मणि कंचन का निर्माण कराया जा रहा है और इसी सिलसिले में छत्तीसगढ़ के नगर पालिका परिषद बालोद के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 2 स्थित मणिकंचन केंद्र का जायजा लेने कलेक्टर पहुंचे और उन्होंने वहां पर घर घर जाकर कचरा कलेक्शन करने वाली स्व सहायता समूह की महिलाओं से चर्चा की। समूह की महिलाओं ने बताया कि वे प्रतिदिन घर घर पहुंचकर सूखा और गीला कचरा कलेक्शन का कार्य करती हैं। कलेक्टर ने महिलाओं के द्वारा किए जा रहे कार्य की सराहना करते हुए बताया कि उन्हें अब सामान्य रिक्शा की जगह ई रिक्शा प्रदान किया जाएगा। आपको बता दें कि नगर पालिका में सूखा और गीला कचरा रखने की जगह है मणिकंचन। स्वच्छता के लिए तो हमारी टीम बहुत अच्छे से काम कर रही है और हम लोगों को मतलब हमारे अधिकारियों से भी बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है। कलेक्टर महोदय जी आए थे यहाँ पर तो हम लोगों को आश्वासन दे के गए हैं और अभी हम लोगों के लिए ई रिक्शा आ रहा है जिससे अभी हम लोगों को और अच्छा मतलब काम करने में हम लोगों को सफलता मिलेगा। हम लोग क्या है वार्ड में सभी को बोले हैं गीला कचरा सूखा कचरा उन लोगों को सब बताए हुए हैं तो हमको सब ऐसे अलग अलग करके देते हैं और तो पूरा तरह से सहयोग कर रहा है। जैसे हम लोग का यानी कचरा लेने में वार्ड जाने में सब में मदद करता है। कुछ भी परेशानी रहने से हम नगर पालिका से सहयोग मांगते हैं और वहाँ से पूरा सहयोग हमें मिलता है। इसके लिए हम जितना हो सके उतना सफाई करना चाहते हैं सर।